हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी बाय रवि सर। मैं हूँ रवि सर और स्वागत करता हूँ आप तमाम लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो क्लास है वो क्लास 10 के लिए है। पनोरमा पार्ट 2 से पोएट्री सेक्शन से हम लोग लेसन नंबर 5 का स्टडी करने वाले हैं। ये जो पोएम है बहुत ही अच्छा पोएम है जिसका नाम है द एम्प्टी हार्ट, यानी कि खाली या सुना हृदय। ये लेसन पेरिय सैमी तुरन के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम लोग पोएम का स्टडी करें, पोएम पर चले, इससे पहले हम लोग अबाउट द ऑथर सेक्शन में आएंगे और राइटर के बारे में जान लेते हैं, समझते हैं कुछ। तो पेरिय सैमी तुरन 1908 टू 1987, यानी कि इनका जन्म 1908 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी पेरिय सैमी तुरन की। ए डिस्टिंक्ड तमिल राइटर, एक बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के तमिल लेखक थे, यानी तमिलनाडु के लेखक थे। फर्स्ट मेड हिज नेम एज ए राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स, शुरू में इन्होंने अपना नाम जो कमाया वो लघु कहानियां और पोएम लिख करके कमाया। हाउएवर तोफी ही इज बेस्ट रिमेम्बर्ड टूडे एज द एडिटर ऑफ द फेमस 10 वॉल्यूम जनरल इंसाइक्लोपीडिया इन तमिल। लेकिन हाँ, आज के दिनों में तमिल भाषा में जो इंसाइक्लोपीडिया लिखा गया था उसके प्रसिद्ध एडिटर के रूप में जाने जाते हैं। कलाई काझांजियाम, जिसका नाम क्या था, कलाई काझांजियाम। लेटर बाद में ही आल्सो कंपाइल्ड एंड एडिटेड एन इंसाइक्लोपीडिया इन तमिल फॉर चिल्ड्रेन, उन्होंने बाद में बच्चों के लिए भी इन्होंने एक इंसाइक्लोपीडिया का मतलब एडिट किया। द मास्टर ऑफ स्टाइल, शैली के एक मास्टर थे, मालिक थे। तुरन हैंडल्ड सक्सेसफुली द प्रोस पोएम एंड द सोनेट, उन्होंने प्रोस पोयम और सोनेट तीनों चीजों को बहुत ही सफलतापूर्वक हैंडल किया, यानी कि उन्होंने प्रोस भी लिखा, यानी कि कहानियां या निबंध या भाषण को भी उन्होंने दिया या लिखा, इसके साथ ही साथ पोयम्स को भी लिखा और सोनेट यानी कि 14 पंक्तियों वाले कविता को भी उन्होंने लिखा। हिज वर्क्स इंक्लूड सच पॉपुलर कलेक्शंस ऑल इलांतामिजा एंड तुरन कविताई का पोएम्स, उन्होंने उनकी जो प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं उनमें कौन कौन सी रही, तो इलांतामिजा और तुरन कविताई का जो पोएम्स का संग्रह था ये रहा। तंगा कांगिली शॉर्ट स्टोरीज, ये लघु कहानियों का संग्रह था, ये उनका फेमस रहा। एंड पुविन सिरुपु, ऐसे निबंधों का संग्रह, ये काफ़ी फेमस रहा। Among the many awards that came to him were the Padma Bhushan and Kalal Mamani from Tamil Nadu. और उनके उनके उनको जो पुरस्कार मिले वो पद्म भूषण रहे और कलाल ममानी जो कि तमिलनाडु से मिला, ये सारे रिवार्ड्स उनके लिए रहे। द पोएम कुराई कुदम द एम्प्टी हर्ट, ये जो पोएम आप पढ़ रहे हैं द एम्प्टी हर्ट, इसको तमिलनाडु तमिल भाषा में हम क्या कहेंगे, तो कुराई कुदम कहेंगे। हाईलाइट्स ए ग्रेट ह्यूमन वीकनेस, ये क्या करता है, हाईलाइट करता है एक बहुत बड़ी मानव के कमजोरी को दिखाता है। मैंस इनसेटियाबल ग्रीड, मानव की असंतुष्टि और लालच को दर्शाता है। विच अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयज हिम, जो कि लगातार मानव को बर्बाद कर देता है, उस चीज को ये पोएम दिखाता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा पोएम है, आप अंत तक देखें और इस पोएम को समझें, क्योंकि ये पोएम यदि आप बढ़िया से समझते हैं तो आपके जीवन से भी रिलेटेड हो सकता है, आपको एक बहुत अच्छी सीख मिल सकती है, बहुत अच्छा समझ मिल सकता है, जिससे कि आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं पोएम की ओर। द एम्प्टी हर्ट, यानी कि खाली हृदय या फिर सुना हृदय, ये पोयम है। तो फर्स्ट स्टेंजा क्या कहता है देखते हैं। द मैन वाज रिच, आदमी कैसा था, अमीर था। द मैन वाज रिच बट नॉट कॉन्टेंट, लेकिन संतुष्टि नहीं थी। आदमी तो अमीर था लेकिन उसको संतुष्टि नहीं थी। मॉर्निंग मून नून एंड नाइट इवेंट, सुबह में दोपहर में और रात में वो गया, कहाँ गया भाई, तो टू द वी शील्डिंग ट्री एंड प्रेड, एक इच्छा पूरा करने वाला एक वृक्ष था, पेड़ था, उसके पास गया वो व्यक्ति और प्रार्थना किया। कौन व्यक्ति, जो अमीर व्यक्ति था जिसको संतुष्टि नहीं थी, वो सुबह में भी जा गया, दोपहर में और रात में जब भी मौका मिला वो इच्छा पूर्ति करने वाले वृक्ष के पास गया और प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया, ओ कल्पका, हे कल्पका, आई सीक योर एड, मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा। All I want is a pot of gold, जो कुछ मुझे चाहिए बस एक ही चीज है, एक घड़े सोने के सिक्के चाहिए। His prayer was granted sevenfold, देखिए
उसका जो प्रार्थना था वो 7 बार स्वीकार कर लिया गया। उस कल्प वृक्ष के द्वारा उस अमीर व्यक्ति के प्रार्थना को 7 बार स्वीकार कर लिया गया। फॉर एज ए गिफ्ट टू हिम वॉज गिवेन, और जो गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में जो उस व्यक्ति को मिला, उस व्यक्ति को जो दिया गया, ग्लिसनिंग गोल्ड इन पिचर्स 7, 7 घड़े में चमचमाते हुए सोने के सिक्के दिए गए। 7 सिल्वर पिचर्स, 7 चांदी के घड़े वेयर नाउ विद हिम, अब उसके थे। चांदी के 7 घड़े दे दिए गए उस कल्प वृक्ष के द्वारा, जो जिसमें कि सोने के सिक्के चमचमाते हुए भरे हुए थे। एच विद गोल्ड क्वाइंस फिल टू द ब्रिम, जो सबके सब लबालब सोने के सिक्कों से, चमचमाती सोने के सिक्कों से 7 चांदी के घड़े भरे हुए थे। बट द ट्री एंड काइंड, लेकिन वो वृक्ष निर्दयी, took into its mind, पता ना उसके माइंड में क्या आया, उस ब्रिज के माइंड में, to add an eighth, उसने क्या किया, एक 8वां घड़ा भी ऐड कर दिया, 8वां घड़ा भी उस व्यक्ति को दे दिया। ये हाफ फुल पॉट, वो जो 8वां घड़ा था वो आधा भरा हुआ था। कितना भरा हुआ था, तो आधा भरा हुआ था, जो पहले के जो 7 घड़े थे वो पूरे भरे हुए थे, लेकिन 8वां घड़ा आधा भरा हुआ था। टू फिल दिस क्विक, इसे जल्दी से भरने की चाहत, वाज हिज थॉट, उसका सोच था। तो जो 8वां घड़ा जो कि आधा भरा हुआ उस व्यक्ति को दिया गया, तो उस व्यक्ति को लगा कि भाई मैं इस घड़े को कितना जल्दी भर लूं, आधे खाली घड़े को मैं कैसे भर लूं और कितना जल्दी भर लूं, ये उसका थॉट हो गया, ये उसका सोच बना उस व्यक्ति का। द 7 फुल वेसल्स ही क्लीन फॉरगॉट, 7 जो सोने के घड़े से, सोने के सिक्कों से भरे हुए घड़े थे, उन घड़ों को व्यक्ति पूरी तरह से भूल गया, दरकिनार कर दिया। उसे ध्यान में ही ना रहा कि 7 घड़े और मेरे पास भरे हुए भी हैं। द डिमोन डिजायर नाउ मेड हिम मैड, राक्षसी इच्छा ने उसे पागल बना दिया। टू मदर, माँ को, वाइफ पत्नी को, चिल्ड्रेन बच्चों को, गुड बाय ही बेड, उसने सबको गुड बाय कह दिया, अलविदा कह दिया, विदा कह दिया। ही रोज बिफोर कॉकक्रो, वह कौवों और मुर्गों से पहले जग जाया करता था। पास्ट मिडनाइट ही वर्कड, आधे रात से ज्यादा तो को काम किया करता था। ईटिंग, खाते हुए, ड्रिंकिंग, पीते हुए, एंड स्लीप ही स्ट्रिक्ड, और सोना उसने सब कुछ छोड़ दिया, खाना पीना सोना सब कुछ छोड़ दिया। ही रेक्ड हिज हेल्थ, उसने अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लिया। हिज कॉन्शियंस सोल्ड, उसका धैर्य जो है वो सोल्ड हो चुका था, कॉन्शियंस सोल्ड हो चुका था। एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू गैदर गोल्ड, उसने सारा का सारा व्यवस्था लगा दिया, सिस्टम लगा दिया कि किस तरह से गोल्ड एकत्रित किया जा सके, जिससे कि उस आधे खाली घड़े को भरा जा सके। एजर एंड एनेक्सियस, काफी व्यग्र, बेचैन और चिंतित, ही सेमलेसली टूक, उसने लाज शर्म सब कुछ का त्याग कर दिया। Each coin he could clutch by hook and crook, प्रत्येक सिक्के को बहुत ही तेजी से पकड़ा करता था। Harder and harder he tried, बहुत ही मुश्किल से मुश्किल कार्यों किया। But life is not, लेकिन जीवन ना रही अंत तक। Nothing is wrong, sorry, but he died, लेकिन वो मृत हो गया। Before he could fill, quite fill the pot, इससे पहले कि उस घड़े को पूरी तरह से भर पाता, इससे पहले उसकी मृत्यु हो गई। Greed and endless, but life is not, लालच तो रह गई लेकिन वो व्यक्ति ना रहा। Nothing is wrong with a half filled purse, यदि आपका पर्स आधा भरा हुआ तो इसमें आपकी कोई बुराई नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। That is the void in the heart, that is the curse. हाँ, गलती तब है जब सब कुछ होते हुए भी आप और अधिक की इच्छा करते हैं और वो भी डायरेक्टली, मतलब बेचैन रहते हैं, एकदम एगर रहते हैं, तो गलती उसमें है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको समझ में, ये लेसन इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। आप, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो काइंडली आप लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल सेलेक्ट करें, जिससे कि मेरे प्रत्येक वीडियोज की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। Thanks to watch my video. Please like, share and subscribe my channel.